सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही अंकिता लोखंडे ने एक भी पोस्ट नहीं डाला है और जितने भी लोगों ने उसका जिक्र किया ये बताया कि किस तरह से अंकिता टूट चुकी है। आरती ने भी बताया कि मैंने अंकिता को फ़ोन किया था, वो टूट चुकी है। संदीप विकास गुप्ता ने बहुत खूबसूरती से ये बयां किया था कि कैसे अंकिता और सुशांत सिंह राजपूत की बॉन्डिंग थी। ऐसे में उनके इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही खूबसूरत पोस्ट जो है एक फ़ैन ने डाला है और वो पोस्ट पढ़कर वाकई में आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। और जो बातें उन्होंने कही हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये लंबा पोस्ट है, बहुत दो हफ्ते पहले का है। हालांकि वो लिखते हैं कि अंकिता, सुशांत आपसे बहुत प्यार करते थे, उनके दिल का एक हिस्सा जो है ना वो आप में अभी भी ज़िंदा है। उन्होंने जो सपने देखे थे, आप जो है ऑनेस्टी के साथ अपना काम करके सपनों को पूरा कीजिए, आप अपने आप को संभालिए। मैं नहीं जानती थी इतना, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब सुशांत ग्रो हो रहे थे, स्ट्रगल के दिन थे, तो उन्होंने आपके साथ समय गुजारा है। इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह के इंसान थे, जिस तरह के वो मैन बने, उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ होगा। तो आप अपना ध्यान रखिए और सुशांत के सपनों को पूरा कीजिए। बहुत खूबसूरत लिखा है। प्री सिंघा इनका नाम है, प्री सिंघा 3। वो लिखती हैं, मैं पूरा पोस्ट पढ़ूंगी, थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने लिखी हैं। आई हैव नथिंग बट अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू। थैंक यू फॉर लविंग सुशांत एंड सपोर्टिंग हिम। आई थिंक बिसाइड्स इट्स फैमिली, ओनली यू एवर ट्रूली केयर अबाउट हिम। तुम बहुत लॉयल थी उसके लिए, तुम उसके साथ उसके संघर्ष के दिनों में भी रही और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे लिए सब बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं उससे कभी मिली नहीं थी और ना ही मैं उसके बारे में इतना जानती थी। आई नेवर मेट हिम एंड इवन आई थिंक अबाउट हिम कॉन्स्टेंटली एंड कैन बेयरली स्टॉप क्राइंग। फिर भी मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। दिस फील्स लाइक सच अ हैवी पेनफुल लॉस इवन टू पीपल हु नेवर मेट हिम। वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान थे अंकिता, एंड आई थिंक यू डिज़र्व सम क्रेडिट फॉर दैट। वो जिस तरह के इंसान थे उसका थोड़ा क्रेडिट अंकिता तुम्हें भी जाता है। उसने अपनी ज़िंदगी के 6 साल तुम्हारे साथ बिताए, उन्होंने अपने यूथ के जो प्राइम ईयर्स होते हैं उन्होंने तुम्हारे साथ बिताए, और मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूँ कि उसमें जो भी गुडनेस थी, ग्रेस था, हेल्प्ड हिम बिकम द अमेजिंग मैन दैट वी ऑल नो एंड लव। उसमें तुम्हारा भी कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर रहा होगा। स्टे स्ट्रॉन्ग अंकिता फॉर सुशांत से। सुशांत के लिए तुम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहो। वी वर द लव ऑफ हिज लाइफ, यू वर द लव ऑफ हिज लाइफ। तुम उसकी ज़िंदगी का प्यार थी, एंड आई एम श्योर ही वुड हेट टू सी यू लाइक दिस। और वो तुम्हें ऐसा देख कर बहुत दुखी हो रहा होगा। प्लीज़ बी हैप्पी एंड लिव एवरी डे फॉर इट्स फुलेस्ट। सुशांत इज नॉट डेड, ही इज़ अलाइव इन यू। वो कहते हैं कि वो मरे नहीं हैं, वो आपके अंदर अभी भी ज़िंदा है। आई एम श्योर ही इज़ वॉचिंग ओवर यू एंड वुड लव नथिंग मोर देन फॉर यू टू फ्लॉरिश। अंकिता, सुशांत अचीव अ लॉट इन हिज लाइफ एंड ही वॉज येट टू अचीव अ लॉट, बट अंकिता यू कैन अचीव फॉर हिम। तो वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, लेकिन तुम उनकी जगह उन चीज़ों को अचीव करो बाय फुलफिलिंग यूअर ड्रीम्स एंड बींग द बेस्ट वर्जन ऑफ यूअर सेल्फ। अंकिता, ही लव यू एंड यू आर अ पार्ट ऑफ हिज हार्ट। रिमेंबर, अ पार्ट ऑफ हिज हार्ट इज अलाइव इन यू। तो तुम रो मत, अपना ध्यान रखो और अपने दिल को दुखी मत करो। वो जहाँ से भी होंगे वो यही चाहते होंगे कि तुम खुश रहो। तो एक बहुत ही प्यारा, मैं देख रही हूँ कि जहाँ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कई बार ट्रोलिंग हो जाती है, ऐसे में इतना खूबसूरत पोस्ट जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगा, दिल को छू लेने वाला पोस्ट लगा कि किस तरह से उन्होंने अंकिता को सांत्वना दी है और कहा है कि आप खुश रहिए। जहाँ पे भी है सुशांत, वो आपको देखकर खुशी होंगे। अगर आप उदास होंगी तो वो उदास होंगे, उनके दिल का एक टुकड़ा आपके अंदर भी है। तो इसीलिए जो है आप इतना उदास मत होइए, खुश रहिए। 1 महीना होने को है अंकिता ने जो है उस दिन के बाद से एक भी पोस्ट नहीं डाला है। उनके पिता ने भी जिक्र किया था कि सुशांत के दोस्तों में वो सिर्फ और सिर्फ अंकिता से मिले थे। उन्होंने बताया कि अंकिता पटना भी आई थी और उन्होंने अंकिता का ही जिक्र किया। हालांकि 6 साल का जो एक वक्त होता है दोनों ने साथ में बिताया था, ये वो टाइम था जब सुशांत स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे। जैसा कि संदीप ने बताया कि अंकिता ने अपने पीक पर जो है सुशांत के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी दिया था, क्योंकि वो सुशांत के साथ रहना चाहती थी। और अब ये फैंस का ये जो पोस्ट है वाकई में बहुत खूबसूरत पोस्ट है,
आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।